और बच्चों कैसे सभी लोग काफ़ी अच्छी तरीके से, मुझे पता है कि जो SSC GD की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी मैं खबर लेके आ चुका हूँ। जैसे जान के आप काफ़ी खुश होंगे, काफ़ी अच्छी खबर है। तो आप लोग बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या नोटिफिकेशन से संबंधित आपके लिए अपडेट आई है। जैसे कि आपको पता भी होगा कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल बताया था कि जो SSC GD का आपका जो मार्च में नोटिफिकेशन आने वाला था, मैंने साफ साफ कह दिया था कि मार्च में बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप लोग फालतू परेशान मत होइएगा। आप लोगों से कई सारे लोगों ने कहा भी कि सर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप वो चेयरमैन है क्या, कोई कुछ कहने लगा, कोई क्या भगवान है क्या कुछ, मतलब कई सारी बातें थी। तो देखिए क्या होता है कि एक्सपीरियंस होता है, कई सारी चीज़ें इतने दिन से एक्सपीरियंस हो चुका है, क्यों आएगा, कब आएगा, क्या कारण है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सारी चीज़ें थी और वो सारी चीज़ें होती भी गई। तीन बार मैंने वीडियो बनाया, तीन बार मैंने कहा कि अब ये डेट जैसे कहा गया तो इस डेट को भी नहीं आएगा, ये डेट है तो ऐसे भी नहीं होगा, और सब मतलब आपको विश्वास भी हो गया था, क्योंकि फिर आप जब देख रहे थे जो चीज़ मैं बता रहा था वो आपकी होती चली जा रही थी। अब बात आती क्या अपडेट है वो भी मैं बताऊंगा, तो वो भी बात सही निकलेगी, ठीक है। अब देखिए पहले लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, और यहाँ पे आपको GS की जो क्लास चल रही मैथ की, आप लोग बस उतना ही पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। जितना वहाँ पर पढ़ाया गया, जो मैथ की आपकी RS अग्रवाल चल रही बुक और जो आपकी GS की पढ़ाई जा रही क्लास हो रही है, उनको टाइम पे ज्वाइन करिए, 8:15 पर आपकी मैथ की क्लास होती है, उसके बाद फिर GS की क्लास होती है। एक चीज़ और बता देते हैं, क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं कि वो लोग दिखाते हैं कि मैं CRPF में हूँ, मैं SSC GD सिलेक्टेड हूँ, वो टोपी पहन के पढ़ाने आ जाएंगे, ये समझिए वो आपको टोपी पहना रहे हैं, समझे बात को, क्यों पहना रहे हैं। पहली बात तो ये समझिए, जैसे कुछ सिलेक्टेड लोग हैं ठीक ना, उनको कभी भी टाइम नहीं मिल सकता है तीन तीन क्लास चार चार क्लास लेने का, ठीक, ये आप समझ लीजिए। और अगर वो सिलेक्टेड हैं SSC GD में तो भी आपको नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, बात ये समझिए क्यों नहीं पढ़ना है, कारण क्या है, क्योंकि जो सिलेक्टेड है वो SSC GD सिलेक्टेड हुआ है, ठीक है। आज के 4-5 साल पहले जब बहुत आसान एग्जाम होता तो उसकी प्रिपरेशन वही लेवल की थी, बिल्कुल लो लेवल की, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो कभी भी आप आगे पहुँच ही नहीं पाएंगे, समझे बात को आप लोग, क्योंकि वो अपने लेवल का पढ़ाएगा, जो SSC GD लेवल का था बस वो, आप उससे पढ़िए जिसने बड़े बड़े एग्जाम निकाले हैं, जो सब्जेक्ट में महारत है, ठीक है। अब ये नहीं क्या हुआ कि वो मैथ भी पढ़ा रहा है, वो रीजनिंग भी पढ़ा रहा है, वो GS भी पढ़ाने लगता है और फालतू वीडियो भी बनाता है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो आप मतलब ये समझिए, मतलब ये ना देखिए कि वो सिलेक्टेड है तो उससे मैं पढ़ लूँ, या अगर वो कोई एक्साइज इंस्पेक्टर या कस्टम इंस्पेक्टर होता, कोई CGL का एग्जाम निकाला होता, तब तो मैं मान सकता था कि चलो ठीक है वो बहुत बड़ा एग्जाम निकाल चुका है, कोई भी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, अगर आप भटक जाएंगे तो ये समझिए फिर भटके ही बने रहेंगे, ठीक है। आप लोग पहले संभल जाइए, सही से पढ़िए, कहीं अच्छी जगह पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे ना पढ़िए, इससे ना पढ़िए, फिर यहाँ पढ़िए, आप पढ़िए लेकिन ऐसे लोगों से पढ़िए जो बहुत अच्छे टीचर हैं, ये ना देखिए कि वो मतलब सिलेक्टेड या कुछ है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मतलब ये समझिए आपका टाइम बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं होगा, ये समझ लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बर्बाद ना करते, मैं देखता हूँ कि समय बर्बाद, आप और भी लोग कई सारे टीचर हैं उनसे पढ़िए, अच्छे अच्छे टीचर हैं जो बढ़िया पढ़ाते हैं लेवल का। अब चलिए खैर वो बात थी, अब जैसे कि मैं नोटिफिकेशन पे बता देता हूँ, जो आपका नोटिफिकेशन SSC CGD का जो आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ आपका अगले हफ्ते नोटिफिकेशन आ सकता है, ये एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए शायद होगी। तो अगले हफ्ते आएगा, ये 99% आपकी बात बिल्कुल सही है। अब 1% कुछ ऐसे कारण सर्कमस्टेंसेस बन जाए, जैसे कि मैंने कहा था कि ये आ जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन फिर क्या हुआ, कोरोना आ गया, तो फिर कोरोना कारण क्या हुआ, फिर नोटिफिकेशन आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, तो वो बात एक अलग हो जाती है। तो क्या बात ऐसे है कि अगले हफ्ते तक आपका जो लॉकडाउन है 7 बजे तक, वो वाला भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और जो सैटरडे संडे वाला है वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका कार जो है चल रहा है अभी, प्रोसेस में है, ठीक है, SSC GD जो आपका SSC, क्योंकि वो ऐसा है ना लेट ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, अब क्या है उनके मतलब, लेकिन एक चीज़ है जो डेट होना, जो एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में होना था, वो एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में ना होके आपका अब अक्टूबर नवंबर को हो सकता है, अक्टूबर नवंबर को एग्ज़ाम होगा, इसलिए क्या थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही बात नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहिए, अक्टूबर नवंबर को भी हो जाएगा तब भी आपके लिए अच्छा है, और नवंबर दिसंबर में भी पहुंच सकता है, डेट थोड़ी सी एग्ज़ाम की डेट अब थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उससे कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, बता दिया जाएगा कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये नहीं कि आपके जैसे अगले हफ्ते नोटिफिकेशन आ गया तो आपको बता दिया जाएगा कि भर दिए जाएंगे, मतलब फिर डेट फॉर्म भरने की थोड़ी सी और आगे हो सकती है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पता लग जाएगा कि अब SSC GD में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इस तरीके से आप लोग बने रहिए और आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई नई अपडेट होगी, नई जानकारी होगी तो आपको वहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। और ये ना कहिए कि अगर बाई चांस नहीं भी आता तो ये ना सुना कि सर आपने कहा था नहीं आए, कुछ कारण हो जाते फिर नहीं लेट, थोड़ा सा 2-4 दिन और आगे पीछे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, तैयारी करिए, और देखिए जो भी डाउट होता है टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे भी आ जाइए, वहाँ पे क्या होगा कोई भी अपडेट होती, कोई नई जानकारी होती, वहाँ पे आपको वो मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग बस पढ़ते रहें और गलत जगह ना जाएं, अच्छे टीचरों से पढ़ें, जो भी हैं कहीं भी हैं, वैसे तो मेरे चैनल पर भी आपको बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे, आप एक बार क्लास देखिए जाके समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको और कोई अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे टीचर हैं कोई, मतलब जिन्होंने बड़े बड़े एग्जाम निकाले हो या उन्होंने काफ़ी अच्छा उनका रहा, उनका रिजल्ट रहा हो, उनसे पढ़िए, ठीक है। आप फालतू का समय बर्बाद ना करिएगा कि किसी चक्कर में आप पढ़ जाएं, ऐसे मत करिएगा समय बर्बाद, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, और भी कोई अपडेट हो, कोई जानकारी आपको लेनी हो
तो आप मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी जो मुझे हुआ मैंने बता दिया। वैसे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे भी जुड़ जाइए थोड़ा सा अपडेट के लिए। ठीक, मिलते हैं तब तक के लिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।